अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन क्रिकेट हिस्ट्री और बहुत ही टैलेंटेड बड़ा नाम इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेड कोच भी हैं मीरपुर रॉयल्स के। इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले एक रवायती सवाल आपसे पूछूंगा कि कैसे देख रहे हैं, इनॉग्रल एडिशन हो रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग का? नहीं, बहुत खुशी वाली बात है, और इसलिए क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो मैं इसमें सारों को, ऑफिशल्स हैं और जितनी भी टीमों के ऑनर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये वाला इनिशिएटिव लिया और ये कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरी नहीं, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान के सारे लोगों की ये दुआ है कि ये कामयाब हो, और इंशाल्लाह होगा भी सही, जिस तरह ये मेहनत हो रही है, जिस तरह सारी टीमें मेहनत कर रही हैं। सो ये सारों से ज़्यादा खुशी की बात है कि ये कश्मीर में हो रहा है। और आप अभी देखेंगे, जिस टाइम ये टूर्नामेंट होगा ना, तो यहाँ से भी इतने यंगस्टर्स है ना पाकिस्तान, आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, दूसरी लीगों में खेलते हुए नज़र आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे कुछ मिलता ही है कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो होने जा रही है, ये कितनी अहमियत की हामिल होगी पाकिस्तान की क्रिकेट में? नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ अभी तक इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी क्रिकेट की। मैं नहीं कहता कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो सकती है, टैलेंट की कमी नहीं हो सकती। तो ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, यंग बच्चों के पास, क्योंकि जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे शौक पैदा होगा, फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी, सारी दुनिया के लोग है ना कश्मीर के बच्चों को खेलता हुआ देखेंगे। सो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त है, और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में भी, कि क्रिकेट में भी बहुत हेल्प होगी इस चीज़ की। आपकी टीम की कुछ बात करते हैं, मीरपुर रॉयल्स की। आप कैसे देख रहे हैं अपनी टीम के कम्बिनेशन को, पहले एडिशन में क्या तवक्कुआत हैं? नहीं, जिस तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हमने अकेले ने मेहनत की है, सारी टीमों ने मेहनत की है, सारी टीमों ने अपना कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, हमने भी अपनी कोशिश की है कि जी हम बेस्ट कम्बिनेशन बनाएं, और हम जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, कि हमारा कम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा है मैं ये समझता हूँ, और लड़के भी बड़े पुरजोश है खेलने के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह अभी आप कश्मीर के लिए पूछ रहे थे ना, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये नहीं कि जी मीरपुर रॉयल्स के जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे बड़े एक्साइटमेंट है उनमें कि जी हम है ना ये कश्मीर लीग खेलें और कश्मीर के लिए खेलें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमारा कम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे लड़के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि जो टैलेंट उभर के सामने आएगा KPL से, कि उनको किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्सपोजर दिया जाए, कश्मीर के जो टैलेंट है उसको किस तरह से कौमी धारे की क्रिकेट में लाया जाए? नहीं, ये ऑलरेडी हो भी रहेगा, कश्मीर के काफ़ी सारे बच्चे अंडर 19 में खेल रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं। तो मैं पहले यही कह रहा था कि टैलेंट की कमी यहाँ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इनको जगह देने की कोशिश की है, लेकिन अब ये जो सा कदम उठाए जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ भी डेवलप होंगी और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, शौक होगा, तो आप देखेंगे PCB किसी भी कदम पे मेरे ख्याल में पीछे नहीं होगा इस चीज़ पे, क्योंकि जी वो अपॉर्चुनिटीज़ इनको ना दे या सिलेक्शन का कोई मसला होगा, वो मेरे ख्याल में PCB, क्योंकि PCB की सपोर्ट के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये कि जी प्लेयर्स को अब आएंगे ना, तो आप अगले इंशाल्लाह 2 से 3 साल में देखेंगे कि जी कश्मीर के जो उनसे प्लेयर्स हैं ना, आपको बहुत जगह खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप समझते हैं कि मुजफ्फराबाद का जो स्टेडियम, जिसको बहुत ज़बरदस्त तैयार किया गया है KPL के लिए, कि आने वाले वक्तों में या मज़ीद मैचेस जिस हद तक भी, या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मैचेस होने चाहिए ताकि मकामी क्राउड में मज़ीद शौक पैदा हो क्रिकेट का? नहीं, बिल्कुल, स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त है, और लोग तो कोई चांस ऐसा है ही नहीं कि ना आए, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट कश्मीर में है, इतनी मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है। तो लोग भी आएंगे, जिस टाइम वो सारे अपने प्लेयर्स को भी खेलते देखेंगे और ये दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी खेलते हुए देखेंगे, तो उनका भी शौक़ पैदा होगा, लोगों का देखने का भी शौक़ पैदा होगा। और ये आप देखिएगा कि जिस टाइम ये KPL ख़त्म होगा ना, विद इन ईयर, क्योंकि जी आपको कश्मीर की क्रिकेट में ना एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, लोगों के एटीट्यूड में भी फ़र्क नज़र आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी कदम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके जो उनसे सम्राट हैं ये फिर बहुत लंबे हैं।
मुजफ्फराबाद की पिच के हवाले से अगर कोई आप आइडिया दे सकें कि क्या बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हम जो है वो एक्सपेक्ट करें, जिस तरह रवायती T20 में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा चौके या छक्के लगे। देखिए ग्राउंड मैन की तो यही कोशिश होती है और जी अब मैं ऐसी पिच बना के दूँ जिस पे स्कोर पे स्कोर बने, और T20 का मज़ा भी इस चीज़ पे है। लेकिन हो सकता है कि जी हाँ स्पिनिंग की तरफ जाए पिच थोड़ा सा, कि एक ही ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं तो, और टाइम बहुत थोड़ा है जो हमें टाइम मिला है, क्योंकि जी 10 दिन में आपने सारी चीज़ें रैप अप करनी है, तो ग्राउंडमैन के पास है ना टाइम ज़रा थोड़ा होगा बिटवीन उसके क्योंकि जी मैचेस के, कि जी वो विकेट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। लेकिन फिर भी मुझे ग्राउंडमैन से पूरी उम्मीद है कि जी हमें ऐसी विकेटें मिलेंगी जो बैटिंग के लिए अच्छी होंगी या T20 मैचेस के लिए अच्छे पिचेस होने चाहिए। राइट।